हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको किड्स ब्रेकफास्ट रेसिपी बता रही हूँ, जो कि बच्चे इसको बहुत आसानी से और पसंद से खा लेते हैं, जो कि बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है। सिर्फ 2 मिनट्स में बनके तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने पैन ली हूँ, उसको प्री हीट कर लें। इसमें बिल्कुल भी ऑयल ना डालें, क्योंकि रवा को थोड़ा सा भूनना है, ना कि इसको ब्राउन करना है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। इसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाए। मैंने 1/2 कप रवा ली हूँ, ये बहुत जल्द जल जाती है। इसको थोड़ा सा ऐसा हला हला के भून लें, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। इस पर एक कोटिंग आ जाती है, थोड़ा हल्का सा गोल्डन कलर की, तब बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है ऐसे रवा की। इसको हल्का सा भून लें, कंटिन्यूस चम्मच को चलाते हुए भून लें। ये परफेक्ट भून चुका है। इसको मैंने सेपरेट प्लेट में निकाल ली हूँ, और उसी पैन में 2 क्यूब्स बटर ऐड करें। किड्स की रेसिपी सिर्फ बटर में बनाए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। मैंने 2 क्यूब्स बटर ऐड की हूँ। इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लें, और उसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून राई ऐड करें। वो थोड़ा सा चटक जाए, और उसी में थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए मैंने 2 टीस्पून मूंग दाल ऐड की हूँ, क्योंकि बहुत जल्द गल जाती है और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। इसको भी भून लें 2 मिनट्स के लिए। देखिए, बटर और मूंग दाल सब अच्छी तरीके से भून चुकी है। उसमें करी लीव्स ऐड करें, इसमें चिल्ली बिल्कुल भी ऐड ना करें, इससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। चिल्ली ऐड करने से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जब इसको भी अच्छी तरीके से भून लें, जब उसमें 1 कप वाटर ऐड करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। और जब तक अच्छी तरीके से पानी में उबाल आ जाए, और उसी में मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड की हूँ, और जो मैंने भून लिया था वो रवा, उसको मैंने इसमें ऐड की हूँ। इसको ज़्यादा पानी में ना घोलें, क्योंकि लम्स बन जाते हैं। थोड़े पानी में इसको घोल लें, अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लें। जब अच्छी तरीके से मिक्सअप हो गया था, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ। इसमें तो लम्स बनने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते, जब थोड़े पानी में हम अच्छी तरीके से प्रॉपर मिक्सअप कर लेना है। देखिए, ये रेडी हो चुकी है। आप इसको आपके बच्चों के लिए इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत आसान रेसिपी है। जितना हो सके बच्चों के लिए फ्रेश बना के खिलाने की कोशिश करें, सिर्फ 2 मिनट्स में बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।